देखिए, पहले तो एक चीज़ है कि हम आज के वक्त में लड़का रहे या लड़कियां रहे, जिंदगी भर घर में बैठा नहीं सकते। एक मौका आएगा जब उनको आपको घर के बाहर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात और सबसे बेहतर बात यह है कि कैसा है कि जो आपको लगता है कि सोशल इविल्स है, बाहर कुछ लोग खुराफात करते हैं या आपको नज़र आते हैं कि इस चीज़ों के तहत लड़कियों को फ्रेम किया जाता है या गलत नज़रिए से देखा जाता है या गलत चीज़ों के तहत उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है, मैं तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को बोलूँगा कि आप ख़ुद को एक एजुकेट करिए, ये चीज़ें हाँ हो रही है। दूसरा, ब्लाइंड फेथ जो रहता है बच्चों पर, लड़कों पर भी, ये दोनों पे इम्प्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों पर हम एक पैनी नज़र रखें और उनको हम गलत निगाह से रखें कि हमारी बच्ची ये कर सकती है, वो कर सकती है, और बच्चों लड़कों को हम निस्ता छूट देते हैं। इस ये चीज़ भी जो है गलत है, हम पे दोनों पे नज़र रखने की ज़रूरत है। नज़र इन द सेंस ऐसा रखना है कि कोई गलत काम ना पड़े। और इसके लिए देखिए, इस सबसे पहला जो स्कूल होता है वो बाप का हाथ और माँ की गोद रहता है। तो पेरेंट्स को सबसे पहले तो खुद को एजुकेट करना है कि ये बाहर ये चीज़ें हो रही हैं, और इसके तहत हम अपने बच्चों को, लड़कों को भी और लड़कियों को भी एजुकेट करें कि बेटा आप बाहर जाओगे तो इस तरीके की चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। तो इस चीज़ का ये तोड़ है, तो आप अपने आप को इस तरीके से बचाइए। लड़कों के लिए भी मैं बात कहना चाहूँगा, लड़कियों के लिए भी बात कहना चाहूँगा। सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि कई ऐसे हमारे मुस्लिम नौजवान हैं जो ऑन द स्पॉट पहुँचते हैं, कोई बुर्का पहनी या हिजाब पहनी लड़की अगर किसी लड़के के साथ दिख जाए और वो लड़का नॉन मुस्लिम है तो उसका वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उस वीडियो को सोशल मीडिया पे डालकर उस लड़की में कोई सुधार नहीं आने वाला है, बल्कि वो लड़की पूरी तरह से बदनाम हो जा रही है। इस वक्त हमारे साथ है एडवोकेट जासिर वामिक सर। तो आपका क्या कहना है सर कि इस तरीके से हमने कभी कई वीडियो देखे हैं, नागपुर शहर में भी ऐसे वीडियो आए, औरंगाबाद में भी ऐसे वीडियो वायरल हुए, तो क्या इससे हमारी बच्चियाँ सुधरेंगी या और बदनाम हो रही है? बल्कि देखिए, वीडियोग्राफी और वायरल करने से सिर्फ बदनामी हासिल होती है और इससे एजुकेट नहीं होते। एजुकेट अगर आपको करना है, आपको देखिए, आपके सामने अगर कोई शख्स, मैं इसे थोड़ा ब्रॉड करना चाहूँगा, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी, क्योंकि कैसा है कि कुछ हमारे बच्चे हैं वो भी गलत राह पर हैं, उन्हें भी सही रास्ते पर लाने की ज़रूरत है। अगर कोई लड़का गलत काम कर रहा है, ये लड़की ये गलत काम कर रही, इररेस्पेक्टिव, चलिए मैं आप थोड़ा और ब्रॉड कर लेता हूँ कि अगर मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम, ठीक है, अगर आपको पता लगता है कि ये इस तरीके से सोशली मॉरली कोई इंसान है, बच्चा है, बच्चा बच्चियाँ हैं, लड़का है, लड़कियाँ गलत काम कर रही, आप उसको वीडियो बनाते हैं और वायरल कर देते हैं। देखिए, मैं एक बेसिक बुनियादी बात सब आपके ज़रिए से सबके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि इंसान अपनी इज्जत को डरता है। इंसान ये डरता है कि भैया मैं कहीं बदनाम ना हो जाऊँ, इसीलिए अगर कोई पर्सन, कोई इंसान गलत काम भी करता है तो छुप के करता है। वायरल करने से आप उसका वो डर भी ख़त्म कर देते जी। दूसरे, ऐसा हम मैसेजेस पढ़ते हैं कि फला का वीडियो आ रहा है उसके घर तक आप सेंड करो, तो मैं हमारे जो भाई हैं जो इस फील्ड में, उनसे कहना चाहूँगा कि भाई देखिए, अगर आप किसी का वीडियो बनाते हैं, सबसे पहले तो वीडियो बनाना ही उसका प्राइवेसी का ब्रीच है। क्योंकि मैं एक रेशनल बात करना चाहूँगा इसमें कि आपको क्या लगता है कि अगर कोई लड़की कोई लड़के के साथ में है, आप जाकर उसका वीडियो बना लेते हैं, तो आप, पहले तो आपको इख्तियार नहीं, लीगली भी, मॉरली भी, सोशली भी, तो आपको किसने बताया कि ये लड़की गलत काम है? कुछ लड़कियां हमें होटलों में मिलती है ऐसा जी, देखिए आते हैं, मैं एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र में कुछ वीडियोस आए हैं। अभी एक बच्ची है और रमज़ान में शॉपिंग करने के लिए अपने वालदा के साथ में गई थी, और एक दुकान में वो शॉपिंग कर रही थी और जो दुकान है वहाँ के लड़के से बात कर रही थी, तो किसी ने उसका फ़ोटो क्लिक कर दिया और वायरल कर दिया, तो वो फैमिली इतना मतलब परेशान हुई, क्योंकि उस वक्त में उसकी वालिदा, उसकी मम्मी उसके साथ में थे जी। काफ़ी वायरल हुआ वीडियो। हाँ, एक वीडियो है, और इस तरीके से कुछ है कि कोई कुछ बच्चियाँ हमारी के बाहर खाना खाने के लिए जा रही है और फूड स्टॉल पर खाना खा रही है, वो स्टॉल वाले से बात कर रही है, तो किसी ने वीडियो बना लिया और कुछ गलत टैगलाइन के साथ में उसके वायरल कर दिया। देखिए कैसा है कि आप जब तक कोई चीज़ की तस्दीक ना करो, कन्फर्मेशन ना करो कि भैया ये वाकई में क्या ये चीज़ जो लड़का है ये लड़की है गलत काम कर रहे, तो
तो तब तक मैं तो बोलूँगा उसके बाद में भी आपको राइट नहीं है बोलने का। देखिए कैसा है, कोई बंदा कोई लड़का है या लड़की है उसको सुधार करवाने वाली अगर कोई चीज़ है तो सबसे पहले उसके गार्डियन है, उसके वालिद वालदा है। अगर कोई बच्चे लड़के के पास में किसी लड़की का वीडियो है और आप कन्फर्मेशन देते हैं कि नहीं ये लड़का है या लड़की है वो इस तरीके से कुछ गलत काम है, तो मेरा आपके ज़रिए से एक अपील है कि अगर आपको वो लड़का या लड़की का घर पता हो तो डायरेक्ट जाकर आप उनके वालदा वालिद वालदा पेरेंट्स के साथ में बात करिए कि अंकल ऐसे ऐसा बात हमें पता लगा है और हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा एजुकेट करिए। एजुकेट करना ही एक वाहिद इसका सॉल्यूशन है। सोशली उन्हें बताइए, मॉरली बताइए, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, उसे अच्छी तरबियत दीजिए आप। लेकिन कर क्या रहे हैं आप, बिना सोचे समझे, बिना उसकी तस्दीक करे, बिना कन्फर्मेशन लिए आप वीडियो वायरल कर रहे हैं। इसमें कुछ बच्ची ऐसी है जो घर से भागकर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इंटरकास्ट मैरिज करती है, आप उनका भी नाम पता फ़ोटो सब वायरल कर देते हैं। देखिए कैसा है, अगर इनमें से कुछ बच्चियाँ घर वापस भी आ जाती हैं, ऐसा हुआ भी है, मैं गवाह हूँ इस चीज़ के ऊपर, मैं हुआ भी है, तो बाद में उन लड़कियों को और उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा जिल्लत झेलनी पड़ी। क्योंकि कैसा है, एक बार सोशल मीडिया पे कोई बच्ची का वीडियो फ़ोटो स्टोरी आ जाती है गलत टैग के साथ में, तो सोशल मीडिया पे किसी न किसी पर्सन के पास में वो चीज़ें रहती और वक्त वक्त कैसा है वो सामने आती रहती। एक बीच में एक बहन ने हमसे कंसल्ट किया था कि वो तकरीबन 5-6 साल पहले कुछ गलत किसी के इन्फ्लुएंस में आ गई थी, लेकिन बाद में उसके पेरेंट्स ने उनके पेरेंट्स को, बच्चे बहन के पेरेंट्स को पता लगा, इसलाह किए और उसने वो चीज़ें छोड़ दी और अभी वो माशाल्लाह शादीशुदा है और एक बेबी भी है उन्हें। अब यकीन नहीं करेंगे 5 साल बाद उन्हीं का फ़ोटो विदाउट डेट वायरल हुआ कि ये इसका ऐसा ऐसा है करके। आप बताइए कि उस लड़की पे क्या गुजरी होंगी। इवन उनके जो हस्बैंड है वो भी मतलब इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आहत हुए हैं कि मेरी जो वाइफ है, इवन उनको पता है इस चीज़ के बारे में कि एक वक्त में मेरी वाइफ जो बच्ची थी, मतलब जो बच्ची की हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा वो हो गई थी, लेकिन उन्हें पता है, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। लेकिन आप इस चीज़ को इंसान एक किस तरीके से लेगा कि भाई मेरी वाइफ है, उसका 5 साल 4 साल 5 साल पुराना फ़ोटो है और अनडेटेड है और वायरल हो रहा है कि इनके घर तक पहुँचा। तो एक सोचने वाली बात है लोगों को जो वायरल कर रहे हैं बिना सोचे समझे कि भाई आपके घर में भी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, भांजी है, भतीजी है, बहन है, आप वो भी कल घर से बाहर निकलती हैं, किसी के साथ में मिलती हैं, मिलती इन द सेंस हो सकता है कि कुछ एजुकेशनल पर्पज़ से मिलती हो या बाहर जा रही हो या किसी के साथ में सलाम दुआ कर रही हो, आप बिना तस्दीक किए उनका वीडियो फ़ोटो वायरल कर दोगे तो फिर उन पर क्या बीतेगी। कई ऐसी बच्चियां हैं, जो नागपुर शहर की बात कर रहा हूँ मैं, जो हिस्लॉप कॉलेज है जी, कई सारे कॉलेजेस के हैं, मैं नाम गिना सकता हूँ, जहाँ पे हमारी मुस्लिम बच्चियां जाती है जी, बाकायदा बुरका पहन के जाती है, क्या वहाँ पे नॉन मुस्लिम लड़के उसे नहीं मिलेंगे? मिलते हैं बाय चांस जी। और हमने ऐसा माइंडसेट बना लिया है कि बुरका पहनने वाली हर एक लड़की ऐसी ही होती है। अब जब बुरके पहनी हुई बच्ची को आप इस नज़रिए से देखोगे तो बच्ची तो सोचेगी मुझे बुरका ही उतार देना चाहिए। देखिए ये बहुत गलत नज़रिया है हमारा, इस सोच का मैं पुरजोर तरीके से रद्द करता हूँ। देखिए पहले तो एक चीज़ है कि हम आज के वक्त में लड़का रहे या लड़कियाँ रहे ज़िंदगी भर घर में बैठा नहीं सकते, एक मौका आएगा जब उनको आपको घर के बाहर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात और सबसे बेहतर बात यह है कि कैसा है कि जो आपको लगता है कि सोशल इविल्स है, बाहर कुछ लोग खुराफात करते हैं या आपको नज़र आते हैं कि इस चीज़ों के तहत लड़कियों को फ्रेम किया जाता है या गलत नज़रिए से देखा जाता है या गलत चीज़ों के तहत उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है, मैं तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को बोलूँगा कि आप ख़ुद को एक एजुकेट करिए कि ये चीज़ें हाँ हो रही है। दूसरा
ब्लाइंड फेथ जो रहता है बच्चों पर, लड़कों पर भी, ये दोनों पे इम्प्लाई होता। ऐसा नहीं कि लड़कियों पर हम एक पैनी नज़र रखे और उनको हम गलत निगाह से रखें कि हमारी बच्ची ये कर सकती वो कर सकती है, और बच्चों लड़कों को हम निस्ता छूट देते हैं। इस ये चीज़ भी जो है गलत है। हम पे दोनों पे नज़र रखने की ज़रूरत है। नज़र इन द सेंस ऐसा रखना है कि कोई गलत काम में ना पड़े। और इसके लिए देखिए, इस सबसे पहला जो स्कूल होता है वो बाप का हाथ और माँ की गोद रहता है। तो पेरेंट्स को सबसे पहले तो ख़ुद को एजुकेट करना है कि ये बाहर ये चीज़ें हो रही हैं, और इसके तहत हम अपने बच्चों को, लड़कों को भी और लड़कियों को भी एजुकेट करें कि बेटा आप बाहर जाओगे तो इस तरीके की चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। तो इस चीज़ का ये तोड़ है, तो आप अपने आप को इस तरीके से बचाइए। लड़कों के लिए भी मैं बात कहना चाहूँगा और लड़कियों के लिए भी बात कहना चाहूँगा। और उसके बाद में जो आपने सवाल किया है कि बुरख़ा वाली लड़कियाँ जैसा ज़्यादा फ्रेम हो रही है, तो देखिए कैसा है, आप एक बार एजुकेट करेंगे बच्चियों को और उनका जहन बनाएंगे तो ये चीज़ें कम होगी। बनिस्बत इसके मैं आपको बताऊंगा कि जो लड़कियां बुरख़ा पहन के बाहर जाती हैं वो ज़्यादा मंजर आम पे आ जाती हैं, उन्हें ज़्यादा लोग, मतलब स्पेसिफ़िकली हम पॉइंट कर सकते कि मुस्लिम है करके, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बाकी बुरख़ा और हिजाब जो बच्चियाँ लड़कियाँ हमारी बहनें करती है वो इस तरीके की है। मैं दो बड़ी मिसाल आपके सामने देना चाहूँगा। कर्नाटक में रिसेंटली कुछ वक्त पहले हिजाब बैन का मामला उठा था, तो हिजाब और बुरख़ा पहने हुए हमारी एक बहन है, बच्ची है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनका नाम तबस्सुम शेख है, तो 12th में स्टेट टॉपर बच्ची निकली है, वो भी हिजाब वाली। कुछ वक्त पहले की अगर बात मैं करूं तो डॉक्टर मरियम आफीफा अंसारी जो है जी मालेगांव की, तो वो हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम न्यूरोसर्जन है, वो बच्ची भी हिजाब पहनती है, ठीक है। तो हमें इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि बच्चियां हिजाब करती है और इस तरीके से हम उन पर वो करें, पॉइंट आउट करें। क्योंकि देखिए हिजाब और नकाब ये मॉरली भी इंसान, मतलब लड़कियों को पहनना चाहिए, लेकिन अगर ये पहनती है तो पहनने के साथ में आप उनको ये उनका एजुकेशन में रोड़ा ना आए। क्योंकि अभी जो है हमने बहुत, मतलब करीब से देखा है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो हिजाब और नकाब करवा कर भी अपनी बच्चियों को अच्छा एजुकेशन हासिल करने के लिए एक प्रोत्साहन देते हैं और उनको आगे भेजते हैं। तो इस तरीके का नज़रिया हमारी खुद के कौम के लिए कैसा है, बवाल बन जाएगा। हम दूसरा हर नकाब वाली लड़कियों को गलत तरीके से देखेंगे, तो ये जो सोच है रद्द करने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा ब्रॉड व्यू हमें भी रखना चाहिए। इवन देखिए कैसा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये दाढ़ी वाला है बंदा, कुछ लोग हैं जो हमारे कौम में जो जिनका बिहेवियर बोल सकते हैं या जिनका कंडक्ट बोल सकते हैं अप टू मार्क नहीं है, तो लोग कमेंट करते हैं दाढ़ी रखकर भी ऐसा करता है, ठीक है। और वही सोच हमने रख ली है कि वो नकाब पहन के लड़कियाँ ऐसी करती, तो वो दोनों चीज़ें एक्सट्रीम है, इस चीज़ को रद्द करना चाहिए। और ये सोच गलत है, इस सोच से बाहर आने की हमें ज़रूरत है।